नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आदिवासी सेनगिल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अपनी आंदोलन जारी रखेंगे। आने वाले 5 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सेनगिल द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के साथ साथ विदेश के जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2023 में हम सरना धर्म कोड ले। सरना धर्म कोड के लिए भारत के लगभग 10% आबादी आदिवासी है, जो अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं है। प्रकृति के साथ जीते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको संविधान सम्मत धार्मिक मान्यता देना लेना लाजमी है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और विज्ञापन पर सवार है। पहले झारखंड को 3.30 करोड़ में कांग्रेस को बेचा, अब मरांग बुरु को जैनों के हाथों बेचा। खुद CNT CPT एक्ट का उल्लंघन करते हुए नाम बदल कर जमीन हड़पा। केवल वोट के लिए सरना कोड की बात करते हैं। वहीं बीजेपी से उन्होंने कहा कि बीजेपी जिद छोड़े, जल्द सरना धर्म कोड की मान्यताओं की घोषणा करे तो दोनों का भला हो सकता है। हमारा तो यही नारा है कि सरना धर्म कोड दो और वोट लो। फॉरेन खानदान के लोग लूट रहे हैं, अपना नाम बदल रहे हैं, बाप का नाम बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, CNT SPT कानून को तोड़ रहे हैं। तो जब यहाँ का रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर बाकी का क्या होना है। तो इसके लिए ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि शहीदों का सपना अबुआ राज को खाने वाला, लूटने वाला, मिटाने वाला ये स्वर्ण खानदान है। और आदिवासी भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। अभी अभी कल हेमंत सोरेन साहब चकुलिया, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में एक प्रखंड है, वहाँ गए थे एक शहीद सबुआ हांसदा की पुण्यतिथि में सम्मान देने के लिए, और भाषण दिया कि जितने आदिवासी प्रमुख हैं सबको घर दिया जाएगा, सबको बाइक दिया जाएगा, सबको पैसा दिया जाएगा। मतलब आदिवासी की कब्र पर, बर्बादी पर हम वोट बैंक को खड़ा करेंगे। और ये जितने आदिवासी चिप्टेन है, प्रमुख हैं, ये अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं समझते हैं, लेकिन इन्हीं के मार्फत JMM पार्टी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन अपना वोट को जमा करती है। चूँकि इनको दारू शराब, रुपया, बांस भात सब दे दो तो बाकी गांव वालों का वोट लपोट लो। तो ये काम करना चाहते हैं, मतलब आदिवासी को बर्बाद करके अपना राज सत्ता को बनाने के लिए इन्होंने जो घोषणा किया है, हमने उस पर आज स्टेटमेंट दिया है। हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो राजनीति का एक षड्यंत्र है वोट बैंक का, आदिवासी समाज को बेच के बर्बाद करके, ये असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है ऐसा करना, लेकिन ये वही कर रहे हैं। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड में अभी तक जैसा कार्रवाई होना चाहिए, आप सोच लीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है कि हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन नहीं, शिव सोरेन, तो उसका और एक भाई बसंत कुमार सोरेन, अब बाप का नाम शिव सोरेन तो दुर्गा कुमार सोरेन। तो ये जो मामला है ये तो गंभीर मामला है, प्राइमा फेसी अपराध का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, और जनता के साथ भी धोखाधड़ी है। तो ऐसे मामले पर हमने तो स्टेटमेंट दिया था, या तो इस स्टेटमेंट पर बाबूलाल मरांडी जी को जेल भेजना चाहिए और नहीं तो हेमंत सोरेन को जेल भेजना चाहिए। आखिर दोनों में से कोई एक तो सही होगा या गलत होगा। तो दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम लोग देखेंगे, नहीं तो इस मामले पर जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल का मतलब सशक्तिकरण। तो हम लोग झारखंड बने, अबुआ दिसम अबुआ राज जो शहीदों का सपना था, तो शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी 5 बार सोरेन खानदान से मुख्यमंत्री बने, तो सपनों को खा गए। आदिवासियों के साथ घोर अन्याय, अत्याचार और धोखेबाजी किया है। मगर हम आदिवासियों का दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पार्टी भी
आदिवासियों को अपने करीब ले नहीं पाती है, क्योंकि वो आदिवासी को बनवासी बोल देती है। हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, वो जबरन ठप्पा लगा देता है हिंदू धर्म का। तो हम लोगों को तब भी विश्वास है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, वो आदिवासी हैं, हम लोग की दर्द को समझती है। तो हमारा नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। 2024 आ रहा है, चुनावी वर्ष है, तो भाजपा के लिए और आदिवासियों के लिए अच्छा होगा कि भाजपा हमारी भावना को समझे। दूसरी बात कि सरना धर्म कोड की मांग हम लोग की लंबे समय से चली आ रही है। 2023 में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में इसको लें। तो 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोग आदिवासी जो प्रकृति पूजा पर विश्वास करते हैं सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख थी, और झारखंड से ही 46 लाख लोग सरना धर्म लिखाए। तो 5 नवंबर 2023 को हम लोग मोराबादी मैदान रांची में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश ही नहीं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि से भी लोग आएंगे। तो इस मामले पर हम लोग जोर लगा रहे हैं। और ये जो कुर्मी महतो वाला मुद्दा है, इसके लिए हम लोग झारखंड में JMM, उड़ीसा में बीजू जनता दल, बंगाल में TMC को दोषी मानते हैं। इन तीनों पार्टियों ने कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा करके, हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया आदि, हमारा तो नरसंहार हो जाएगा, सब चीज लूट जाएगी, क्योंकि कुर्मी महतो बिहार में आए, यूपी में आए, सभी राज्यों में हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसके लिए भी सोरेन खानदान सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। अंतिम बात, हम आदिवासी अभी महसूस करते हैं कि हमारे गाँव समाज में सुधार होने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग सभी आदिवासी गाँव समाज में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट को हणिया, दारू, चकना, रुपयों में बेचना, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता इत्यादि हावी है। और इसके लिए हमारे जो ट्राइबल चीफटेन होते हैं, आदिवासी प्रमुख, वो राजतंत्र के रूप में चुने जाते हैं, परंपरा के नाम पर वंशवादी तरीके से उनको सब आदिवासी मिल बैठ कर चुनेंगे, तब पढ़े लिखे अच्छे लोग भी वहाँ आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग को उम्मीद है, झारखंड इतना बड़ा राज है, इतना धनी राज है, और हमारे शहीदों का जो सपना है इसको साकार बनाने में सरना धर्म कोड के माध्यम से हम भारत देश के प्रकृति पूजक आदिवासियों को एकजुट करेंगे और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।